1991-92 में मेरा एक हादसाती तौर पे एक बाल मेहंदी पाकिस्तान के बड़े मशहूर आर्टिस्ट थे उनका एक साथ मेरा दो शुरू हुआ 91-90 से। वो इतना गहरा रहा कि मैं तकरीबन फिर बाद में अगर SHO भी रहा तो वो मेरे साथ जहां मैं SHO होता था वहीं हमारी रिहाइश होती थी और वो वहीं हमारे जहां पर हम जगह लेते थे वहीं वो काम करते थे। शुरू में इब्तिदा में तो वो हमें अपनी जो कलर्स की स्कीम होती थी पैलेट्स जो होती थी वो हमें सिखाते थे कि ये कलर कैरवट ग्रीन निकाल दें, कैडमियम रेड निकालें, येलो निकालें, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये सारी पैलेट से हम शुरू हुए, फिर कलर स्कीम पर गए, फिर उनको बड़े गौर और तवज्जो के साथ देखते थे शुरू में 2-5 साल। तो उस वक्त तो इतना जहन नहीं था कि मैं जो है ये आर्टिस्ट बनूंगा, लेकिन फिर वो इतना उनका काम देखा, इतने लोगों का उनका रबता देखा, इतने आर्टिस्टों को देखा तो बस वो दिमाग में समा गया और फिर एक शौक पैदा हुआ और आज उसका ये हाल। इसमें शौक की बात है, लगन की बात है सबसे ज़्यादा, और इसमें दिमाग और जहन को उधर महफूज करना पड़ता है। उस वक्त आप जब मैं जहाँ काम कर रहा होता हूँ वहाँ पर अगर हम बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, अगर मेरे बाहर कोई आके मुझे आवाज़ दे या कोई फायर भी करे शायद मैं महसूस ना करूँ, इतना आदमी उसमें मगन होता है। ऐसा महसूस होता है कि आदमी अगर बिल्कुल इतना उसमें जब भूल मिल जाता है और उसको जहनी तौर पर उस पर अंदर आ जाता है तो उसमें फिर ये ना तो सामने बंदा मुझे आवाज़ें भी देता रहे ना कि जी आएँ चलें आपको बुला रहे हैं घर वाले या कोई और काम है, तो वक्ती तौर पर मुझे नहीं महसूस होता। पुलिस से ताल्लुक़ है, मैं DSP हूँ, तो हमारे यहाँ असल में सिक्योरिटी इंतज़ाम लगते हैं मुहर्रमों में, रबी अव्वल में और ऐसे जलसे जुलूसों में। तो हम मुहर्रमों के दिनों में 9-10 को जो ड्यूटी होती है हमारी वो तकरीबन 9-10-11 बजे से शुरू होती है और रात 12 बजे तक रहती है। तो आदमी कितना थका हुआ होता है और जब मैं उसी यूनिफॉर्म में दोबारा अपने जो है साइड रूम में बैठा हुआ फिर आर्ट कर रहा होता था तो मेरी जो स्क्वाड थी जो गनमैन थे वही बोलते थे यार ये क्या चीज़ है अभी इतनी, हम तो थक गए और ये अभी आके फिर 2-2.5 घंटे काम कर। असल में हमने सबसे ज़्यादा काम तो पोर्ट्रेट पे किया है, फिर उसके बाद जो है ये सहाफ़ती जो महते हैं जैसे हमने उमरकोट की लड़कियाँ और आजकल का जो ये आर्ट है लेटेस्ट किस्म का इस पर काम किया है, बिल्डिंग्स हमने बनाई हैं। ड्राइंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक तरह से जैसे हम कार्बन रख के एक ड्राइंग कर लेते हैं, असल काम तो फिर ड्राइंग के बाद शुरू होता है हमारा, क्योंकि उसी कपड़े को हमने जो है ना उसी पे काम करना होता है, उसी को हमने इतना टाइट किया हुआ होता है ब्रश ना रुके कोई चीज़ ना रुके, सारा काम जो है वार्निश वगैरह ऐसे देते हैं ताकि हमारा रंग कम चूसे कपड़ा, हम उसे वार्निश मिला के ना लाइट कलर करके ताकि वो जो हमारी ड्राइंग है वो भी ना कहीं से हटे, लेकिन और कपड़ा भी हमारा जो है ना वार्निश को पी ले ताकि हम नया रंग चढ़ाएं ना तो उसको कम से कम जब से हमें काम इतना करना पड़ता है ना कि क्योंकि हमारा कुछ रंग होता है वो उसको सुखाना पड़ता है फिर उस पर काम करना होता है, तो ये हमारा जो है ना 10-12 दिन का अमल है, 8-10 दिन उसमें ये है ना कि पहला स्टेज दूसरा स्टेज फिर हम चूँकि गीले के ऊपर दोबारा ब्रश नहीं कलर नहीं चढ़ा सकते नीचे का कलर बाहर आएगा तो हम उसको धूप दिखाते हैं उसको सुखाते हैं फिर उसके ऊपर काम करते हैं, फिर कुछ हमारा कपड़ा कभी कभार ऐसा होता है उसमें डॉट्स निकल आते हैं तो उसको फिर हमें जो फिल करना होता है अगर तो उस पर कई कई बार हमने कलर चढ़ाना होता है और कभी ज़्यादा चढ़ता है तो उसे लाइट करना होता है। काम करने के बाद तो कलर तो सारे मौजूद ही होते हैं, उनको सिर्फ ये होता है किसी को हल्का किसी को डार्क किसी को लाइट करना होता है, उसको मिक्स करना होता है, जैसे हमारे यहाँ टेरावेट ग्रीन है, कैडमियम रेड है, अल्टामैरिन ब्लू है, इस तरह के कलर हैं, इनकी कम्बिनेशन है वाइट है टाइटेनियम वाइट वगैरह। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ना जितनी ज़्यादा अब मैं बना रहा हूँ मुझे बस अब जो बन रही है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि बाजी वाली जो है ना उसके मुकाबले में अब अच्छी बन रही है क्योंकि बहुत कुछ अब समझ में आ रहा है। तकरीबन 300-400 के करीब मैं बना चुका हूँ, उसमें छोटे बड़े साइज़ सभी हैं लेकिन बड़े कम हैं छोटे साइज़ ज़्यादा हैं।